हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, मेरी फैमिली भी अच्छी है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और जैसे आपको सब पता है कि आकाश और निकी आए हुए हैं दोनों, तो वो दोनों अभी आराम कर रहे हैं। नाश्ता वगैरह हमारा सब हो गया। मैंने सुबह का जो मेरा काम है वो मैंने सब खत्म कर लिया है। बच्चे स्कूल गए हुए हैं और अभी मैं तैयारी कर रही हूँ दोपहर के खाने की। आज दोपहर के खाने में मैं बना रही हूँ आलू और बड़ी की सब्ज़ी। तो वैसे तो इन्हें ऋषिकेश जाना है, कह रहे हैं कि खाना ना भी बनाओ, मतलब अपना अपना बना लो, तो हम तो बाहर भी खा लेंगे। लेकिन मैं बोल रही हूँ कि अभी भाई बाहर खाने की ज़रूरत नहीं है, घर पे ही खाना खा के जाओ। तो जाएंगे, थोड़ा सा लेट ही हो जाएंगे जाने में भी, कह रहे हैं, क्योंकि ये पहले तो अकेले जा रहे थे, फिर बाद में बोल रहे हैं कि अक्षर को हम साथ में लेके जाएंगे। तो वो तो स्कूल गया हुआ है, वो स्कूल से आ जाएगा 1:30 बजे के करीब, वो स्कूल से आ जाएगा। उसके बाद फिर ये ऋषिकेश जाएंगे घूमने के लिए। तो अभी तो पहले दोपहर का खाना बनाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, किचन में चलते हैं और अपने व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी दोपहर का टाइम है, मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ। आलू की सब्जी बन रही है आज। फ्रेंड्स, दोपहर का मेरा जो काम है वो मैंने ख़त्म कर लिया है। बच्चा आ गए स्कूल से और वो तो चले भी गए हैं ऋषिकेश, और अभी मुझे बनानी है लौकी की लौज। और मीठा मेरे घर में सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो पहले मखाने की बर्फी बनाई थी, तो अभी बनानी है मुझे लौकी की लौज, क्योंकि थोड़ा सा मावा रखा था। तो आकाश बोल रहा था कि लौकी की लौज बना लो, काफ़ी दिन हो गए हैं खाए हुए, क्योंकि वहाँ रसिया में तो देखे मिलती नहीं है कुछ भी मिठाई। और जब से वो यहाँ आया हुआ है तो वो उसकी मतलब फरमाइशों की एक लिस्ट है कि जो मैंने 2 साल में नहीं खाया है वो सब आप मुझे बना बना के खिलाओ, क्योंकि फिर 1 महीने बाद वो चला जाएगा, रक्षाबंधन के बाद मतलब उसकी फ़्लाइट है, तो उसके बाद वो चला जाएगा। और मीठे के मतलब हमें 5ों बहन भाई बहुत ज़्यादा शौकीन हैं, बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं आप लोग। और मम्मी मतलब बहुत ज़्यादा बनाती थी मीठा जब हम छोटे थे, तो मम्मी सर्दियों में ज़्यादातर बेसन के लड्डू बनाती थी। और आपको बता दूँ तो मम्मी 5 हिस्से कर देती थी उसके, कि सबको एक एक डब्बा मिलता था अपना। और ऐसा होता था सबको अपना, भाई जिसको 2 दिन में ख़त्म करना है वो 2 दिन में ख़त्म कर दो, नहीं तो जिसको बचा के रखना है वो अपना बचा के रख लो। तो ये होता था कि सब अपना अपना डब्बा छुपा छुपा के रख देते थे, कि और ढूंढते रहते थे दूसरे का कि उसका मिलेगा और फिर उसे खाएंगे। ये होता था हमारा जब हम बचपन में सभी छोटे छोटे थे। तो आकाश तो उस टाइम काफ़ी छोटा था, वो 6-7 साल छोटा है निक्की से भी, तो दोनों ही काफ़ी गैप है उनमें, तो वो काफ़ी छोटा था। वो उसका जो डब्बा होता था लड्डुओं का, वो हमेशा मम्मी के साथ रहता था, क्योंकि मम्मी और वो एक डब्बे में से खाती थी। मम्मी डिवाइड इसलिए करती थी क्योंकि जब एक डब्बा हम भर के रख देते थे तो ये होता था कि मैंने खाए नहीं, मैंने खाए हैं, उसने ज़्यादा खा लिया, मैंने कम खाया। होता ही है सभी के घर में नॉर्मल सी, जब मतलब 2-3 बच्चे या थोड़े से ज़्यादा बच्चे होते हैं। तो मम्मी ने बहुत अच्छा काम कर रखा था कि डब्बे सबके बना रखे थे, इसमें लो भाई अपने अपने उठाओ, छिपाओ, खाओ, कुछ भी करो। ये होता था हमारे साथ, शायद आपके साथ भी होता होगा, ज़्यादातर सभी के घर में ऐसा ही होता है। और अभी भी मीठा बहुत ज़्यादा बनता है, खाया जाता है, तो पता नहीं लगता मीठा कितना भी बना लो सब गायब हो जाता है। तो अभी लौकी की लौज बनाऊंगी, और जब वो इसी केस से आ जाएंगे तो उसके बाद ही वो खाएंगे। देखिए मतलब घेवर लेके आए थे, मिठाई घेवर लेके आए थे, और बालूशाही लेके आया था, और मखाने की मैंने बर्फ़ी बनाई थी। तो ये सब मीठा होने के बावजूद भी लौकी की लौज का मन उसका हो रहा है, तो मैंने कहा बना दूंगी मैं, कोई बात नहीं है। तो रात तक ही बोल रहा था कि शायद रात हो जाएगी, जब तक भी आएंगे देखते हैं। तो अभी तैयारी करते हैं लौकी की लौज की, ये बातें तो हमारी चलती रहती हैं आपके साथ। तो जी फ्रेंड्स, मैं बना रही हूँ लौकी की लौज, और ये है मेरी उबली हुई लौकी। आज मैंने उबली हुई लौकी डाल ली है इसमें, और थोड़ी देर बाद मेरी बात होने ही वाली है। और ये रखा है मेरा मावा इधर, हाँ
अब हमारी पास न जमने वाली है। जब बराबर साइड में लगने लगती है ना, तब गैस बंद करके इसे नीचे उतार देते हैं। नीचे उतार के इसे करनी है ऐसे घुमा घुमा कर थोड़ी देर के लिए ठंडा, ताकि ये अच्छे से जम जाए। मतलब इसमें गरम गरम में नहीं मावा डालेंगे हम, मतलब मैं तो डालती नहीं हूँ ऐसे गरम में, थोड़ा सा ठंडा करके उसके बाद डालती हूँ। ठंडी हो गई है फ्रेंड्स, अब इसमें डालती हूँ मैं मावा। पहले थोड़ा डालूंगी, लगा हुआ अपनी रील बनाने को, इसने आज 11 रील बना दी है, 12वीं रील की तैयारी है। तो फ्रेंड्स अभी हम सब जा रहे हैं बाहर खाना खाने के लिए। मैंने दाल रोटी बना दी थी लेकिन इन्होंने नहीं खाया है, कह रहे हैं कि हम बाहर खाएंगे खाना। तो अभी सब रेडी हो रहे हैं, ये देखिए आकाश उधर हो रहा है, ये हो गए हैं और अक्षत भी रेडी हो गया है, मैं भी हो गई हूँ और इधर बैठा है ये अपना फ़ोन चला रहा है। तो चलिए चलते हैं फ्रेंड्स। पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, वहाँ पे एक जगह पे फोन सा आता है, वहाँ पे सब उस पर मसाला लगा रहता है, तो सब फोन
अच्छा, वहाँ उस एरिया में नेटवर्क आते हैं इसलिए वो नेटवर्क पॉइंट हो गया। तो जी फ्रेंड्स, खाना खाने के बाद अब कोल्ड ड्रिंक चल रही है इनकी, देखिए। सही बता रहा मैं? ले, ले। तो फ्रेंड्स, अभी हम घर आए हैं, खाना पीना तो हमारा हो गया था होटल में, और जब ही हम वहाँ पे थे तो हमारे पास फ़ोन आया, भाभी के बस जो भाई है जो रेस्टोरेंट पे वहाँ रहते हैं, तो उन दोनों का एक्सीडेंट हो गया है। तो भाई अभी अभी गया है बिल्कुल, और टाइम आपको बताऊँ तो रात के 11 बज रहे हैं। रात को अंधेरा तो होता ही है देखिए, और गांव का रास्ते भी ऐसे होते हैं, तो रास्ते में उनके बाइक के सामने सांड आ गया है, जिससे दोनों भाइयों का एक्सीडेंट हो गया और काफ़ी चोट आई है। बड़े वाले भाई को कुछ ज़्यादा चोट आई है, तो अभी ये दोनों भाई यहाँ से गए हैं क्योंकि उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना है। वैसे तो फ़ोन कर दिया गाँव में से आ जाएंगे वो सर जी, जब तक ये यहाँ से अपना सहारनपुर पहुँच जाएंगे और रात को उसको एडमिट करेंगे, देखते हैं क्या होता है। वैसे तो बताया, उसने बताया है, छोटे वाले भाई का फ़ोन आया था कि काफ़ी सारी चोट लग गई है, सर में चोट आई है। गायें भैंस ये रोड पे घूमती रहती हैं, तो इनकी वजह से बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो चोट भी बता रहा है कि काफ़ी आई है, सर में आई है, यहाँ बता रहा है शोल्डर पर आई है और हाथ में। वो तो जब दोनों भाई वहाँ पहुँच जाएंगे, वहाँ से फ़ोन करेंगे, तो उसके बाद ही पता चलेगा कि कितनी चोट है। तो फ्रेंड्स, अब टाइम हो गया है वीडियो को एंड करने का। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।